हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास का सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं पहला अध्याय, सत्ता की साझेदारी। तो आइए इसका परिचय देखते हैं कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे पढ़ाएंगे जो हम लोगों ने पिछले साल यानी 9th क्लास की क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग के पास नहीं होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है यानी बांट दिया जाता है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि 2 कहानियों के माध्यम से बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश हैं। दोनों देश की घटनाओं के बारे में जानते हैं कि वहाँ क्या घटित हुई। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। सोचिए, हमारे राज्य इतने बड़े बड़े हैं कि किसी देश से भी ज़्यादा बड़े। तो बेल्जियम जो है वो हरियाणा, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटे हैं। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी आबादी। जनसंख्या भी हरियाणा की आबादी से कम है, आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ शेष 40% लोग बोलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि यानी अमीरी के मामले में ये लोग कमज़ोर थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं, श्रीलंका से। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी
कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी दो समूह हैं, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उस समय बहुत सारे तमिल लोगों को श्रीलंका के बगानों में काम कराने के लिए ले जाया गया था, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। भारत से ये लोग बगानों में काम करने के लिए ले जाए गए थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिहली भाषी लोग बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन? सिहली भाषी लोग। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की हिस्सा 7% है और वे सिहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और भी बढ़ जाती। संभव था इससे देश बट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक का मतलब होता है बच्चों जिसकी संख्या अधिक होती है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिहली समुदायों के संबंध जो थे वो आपस में और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को, ईलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने।
श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बहुत बड़ा टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव जानते बच्चों आज तक गृह युद्ध के रूप में चल रहा है। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर दूसरे देश में शरणार्थी बन गए, इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है दसवीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पुस्तक में पहले अध्याय विकास अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तब जानेंगे कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई है। लेकिन यहाँ बेल्जियम ने बहुत समझदारी से काम लिया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए आप बॉक्स में देखें कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। संविधान में यह बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुदूर्प कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व भी है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस तरह से दोनों देशों में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि बेल्जियम जो थी इसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आने नहीं दी, जबकि श्रीलंका में आज भी गृह युद्ध चलता ही रहता है सिलियों और तमिलों के बीच। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बेल्जियम बंट जाता भाषा के आधार पर, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो हम लोग देखें बच्चों कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और
इसीलिए तीनों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बराबर का अधिकार दिया गया है, किसी एक को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सरकार के तीन अंगों में, तीन अंग है कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र में सरकार की समस्त शक्तियाँ सरकार किसी एक अंग को नहीं देती है, बल्कि तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को देती है। यह सत्ता के क्षैतिज वितरण कहलाता है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। विधायिका जो है, विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा कानून को तोड़ने वालों को दंड देती है। इससे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता और प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो मैं यहाँ इस सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसे मैं आप लोगों को संक्षेप में समझा दी हूँ बच्चों। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग वीडियो देखिए बच्चों, इसे लाइक, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बगल में बेल वाली जो बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब डालूँ तो उसका लिंक आपको मिल जाए। और आप चाहे तो इसे अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।